बड़ा धोखा गाना आप लेकर आए हैं और वाकई में ये गाना और नाम से बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आजकल पूरे वर्ल्ड में धोखे चल रहे तो हम धोखा लेके आए और रीचा जी ने गाया, हमारे फ्रेंड विपिन जी उन्होंने म्यूजिक किया है और इन्होंने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की। क्या कहना चाहेंगे? काफी एक्साइटेड रहते हैं आप हमेशा देने का। यस, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इस गाने के लिए। बहुत सारे कारण हैं। अभिषेक भाई जो मेरे प्रोड्यूसर हैं और इनका लेबल शुरू हुआ है हैप्पी आवर एंटरटेनमेंट फिल्म्स, सॉरी नाम है हैप्पी आवर म्यूजिक, राइट? ये प्रोडक्शन हो गया। कामना मुझे जानती है, मैं कामना से मिल चुका हूँ, हमने इस गाने को डिस्कस भी किया था, काफी चीजें क्रिएटिवली हमने शेयर की थी, बट मैं गाने का डायरेक्टर नहीं हूँ, राइट? कामना गाने बड़ी खूबसूरत लगी है, मैं तो बार बार जब से देखे जा रहा हूँ मैं देखता हूँ कामना इतनी खूबसूरत लग रही है, ये दुखी नहीं होनी चाहिए गाने में। एंड आपको भी लगेगा अगर गाना देखोगे ना, एक तो रिचा की आवाज इतनी अच्छी है एंड कामना की एक्टिंग बहुत अच्छी है और ऑल फॉर द बेस्ट। एक्चुअली सॉन्ग बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और इस गाने में एक्चुअली जो लिरिक्स है अभी आप देखोगे उसके बाद तो उसका उस गाने के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है। मोस्टली गाने आते रहते हैं, एवरीडे आते रहते हैं, बट ये गाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टचेबल है एंड काफी इमोशंस से भरा हुआ है। मैं बोलना चाहूंगी आप इस गाने को एक बार देखो, ये गाना बहुत बहुत सुपर एडिक्टिव गाना है, यू विल गेट एडिक्टिव। बहुत ज्यादा करेक्ट करेक्ट लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। विश्व भाई किसी किसी धोखे में सुकून ही काफी होता है एंड धोखा एक सुकून ही होता है जिंदगी के लिए, तो मैं इतना ही बोलूंगी धोखा एक सुकून ही होता है। सुकून नहीं है लेकिन धोखा जरूरी है। विपिन जी हमारे कंपोजर और लिरिसिस्ट सर, एक रिक्वायरमेंट आई कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल रोमांटिक सैड वाला जोन में चाहिए गाना, तो बस हमने बनाया और मैं ही लिखा हूँ, मैंने भी म्यूजिक किया हुआ, अरिचा शर्मा जी ने गाई हुई, तो बस आप लोग सुनिए, गाना काफी पसंद आएगा आप लोगों को। हाँ, ये बिल्कुल पहला गाना। अच्छा, और अब हम लोग करते रहेंगे आगे सॉन्ग और लगातार। सर अब फिल्म कर रहे हैं। अच्छा। उसका बहुत जल्दी धमाका होने वाला है तो आपको जल्दी। मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर वो है, इन्होंने इससे पहले मेरी अभी अभी एक फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हुई, चल पर चलिए पंजाब, अभी वो ओटीटी पे रिलीज है। बस धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, अब हम लोग हिंदी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, दिनेश जी उसको डायरेक्ट। एक्चुअली में जब गाना इन्होंने हमें सुनाया फिर हमारा काफी दिन डिस्कस हुआ, 3-4 सिंगर्स पे हुआ, पर मैंने भी बोला इन्होंने भी बोला कि सर नीचा मैम की आवाज बेस्ट है, तब हम लोगों ने मैम को एक्साइटमेंट दिखाई, कहते उनको गाना इतना अच्छा लगा, उन्होंने बड़े दिल से गाया, बिल्कुल अच्छा होके अभी आती हूँ। बहुत कम गाने गाती है वो, लेकिन जैसे गाने मैंने सुनाया ना तो बोले कि नहीं विपिन ये गाना हम करेंगे, क्योंकि ये गाना हम बहुत रिचा के 60% गाने पार्टी में बजते हैं, वेडिंग सॉन्ग होते हैं, ये गाना भी मैच करता नहीं, ये सैड सॉन्ग है, ये जिनका दिल टूटेगा वो बजाएंगे। हाँ, पूरे हिंदुस्तान का दिल तो टूटा ही हुआ है, पूछ लो सारा को सभी का टूटा है, तो सारे बजाएंगे, आप ही बजाना। नहीं नहीं मेरा हाँ मेरे म्यूजिक चैनल का इससे क्या उम्मीद है इससे? बस मुझे तो उम्मीद है कि हम लोग आगे बढ़े, इसके सब्सक्राइबर बढ़े, फॉलोअर बढ़े, और ये गाना बहुत अच्छा है, आप लोग देखेंगे तो और अच्छा है। गाने के लिए दिल का पत्थर साबित होगा आपके लिए? हाँ जी हाँ, 100% होगा, गाने क्योंकि गाना अच्छा है। धीरे धीरे हम लोग इसको हर चैनल पर। इसके अलावा हम जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक फिल्म की चल रही है तैयारी और 3-4 म्यूजिक वीडियो अब हम लोग अपने चैनल पे करते हैं एवरी मंथ। एक जी मेरा डेब्यू सॉन्ग है एक्चुअली, और इसके बाद मेरा अभी कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन पे है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, तो अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स मेरे लाइन पे आ चुके हैं ऑलरेडी। एल्बम सॉन्ग जो है पहचान के लिए बनाई जाती है, बॉलीवुड में उससे पैसा रिटर्न नहीं आता है,
पहचान तो इंसान की खुद की पहचान होती है, और तो मैं इसके मैंने एक शब्द में आपको एक लाइन में बोल नहीं दिया, सारा क्लियर कर चुका है कि इंसान की खुद की ही एक पहचान होती है, तो इंसान खुद की पहचान के लिए ही सारी चीजें करता है। तो आपने जिस तरीके से बोला कि पैसा रिटर्न नहीं आता है, तो वो हमारे प्रोड्यूसर सर खड़े हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं रिटर्न में चाहती हूँ कि पब्लिक का प्यार मिले, रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में मुझे सिर्फ पब्लिक का प्यार ही चाहिए। विशु जी एक लाइन बिल्कुल बिल्कुल चलो सर करवाओ। हाँ सहलिया गम दुनिया जहाँ दा सहलिया गम हमने, पर कैसे सहूं तू ही बता कैसे सहूं यार वे तेरा धोखा तेरा धोखा। सबसे पहले तो 24/7 हैप्पी आवर्स इसके लिए बधाई, हैप्पी आवर्स का ही प्रेजेंटेशन है। और एक धोखा ही है जो कभी भी कहीं भी मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। और तेरा धोखा मतलब ये मेरा धोखा नहीं, तेरा धोखा मतलब मैं सेफ हूँ, तो अच्छी बात है तेरा धोखा रिलीज हो रही है। और इस धोखे में बहुत से लोगों की साजिश है, हमारे अभिषेक भाई जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, और बस विडम्बना ये है कि आज यहाँ पर मिल गए। हाँ और ऐसे ही मिलते रहे, और ऐसे ही अभी बहुत जल्द फीचर फिल्म भी इनका रिलीज हो, यही शुभकामनाएं। और मे यू गाइस रॉक, दैट्स द बॉटम लाइन। एंड मैम यू आप क्या बोलना चाहते हो, आपने भी गाने की गाई हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? तो सेंटर 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 राजी, हां सेंटर रूम से सब बहुत अच्छे लग रहे हैं कवर पे, अभिषेक सर ने काम किया है तो बहुत अच्छा ही होगा। और आई जस्ट प्रे कि ये बहुत अच्छे माइलस्टोन्स अचीव करे सॉन्ग। तेरा धोखा मतलब तुम्हें धोखा मिला इस तरह गाना है तो मतलब मुझे तो नहीं मिला है, मिलने वाला है। कोई विशेष देना चाहते हैं? मैंने बस यही बोला है कि बस आई प्रे कि बहुत अच्छे माइलस्टोन्स अचीव करे ये सॉन्ग। मैं बहुत बहुत विशेष दूंगा, मैं बहुत बहुत विशेष दूंगा इस गाने के लिए ऋचा जी को, अभिषेक शर्मा जी को, कि गाना बाकी बहुत अच्छा बन गया। और गुड इवनिंग थैंक यू मैडम, हम लोग की मैडम का गाना हिट जाना चाहिए आप लोग की वजह से, ठीक है? और लाइक करें, सब्सक्राइब किए और रील्स बनाइए, शेयर करिए, गाइस हमारा ये सब यही कहना है, ट्रेंड में लाइए, ट्रेंड में लाइए, वो सबको धोखा मिलता है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलता है।